अब हम पढ़ेंगे चैप्टर एट का रिमेनिंग पार्ट पेयर्स ऑफ लाइन्स पहले आती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं द लेटर एक्स टी एडजेंट अ ब्लैक बोर्ड आर मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट विच मीटर पॉइंट टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ कामन पॉइंट देखिए यहाँ दो लाइन्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कि इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है ओ इन्हें हम दिस कामन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड ये जो पॉइंट है जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओके फिर आती है आपकी पैरेलल लाइंस जैसे आपने स्केल देखी होगी एक साइड से ऐसे एक साइड से वो कभी नहीं मिलती हैं ऐसे ही आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होंगी इस तरीके से तो जब दो लाइंस जब कभी वो आगे बढ़ाने पर भी कभी नहीं मिलती टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन इधर साइड वो किसी भी साइड से आप दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर लो लेकिन वो नहीं मिलेंगी जब ऐसी लाइंस होती हैं तो उन्हें हम पेडलर लाइंस कहते हैं अब आता है ट्रांसवर्सल लाइन अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस ऑफ द सेम प्लेन एंड डिस्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल यहाँ देखिए एक लाइन है एल ये ये लाइन है आपकी टी ये आपकी एल और एम को पी और क्यू पे कट कर रही है इस तरीके से ये जो लाइन है ये आपकी इंटर ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे ही यहाँ भी कट कर रही है यहाँ भी यहाँ भी ये अब एंगल्स बनते हैं हमारे कैसे बनते हैं देखिए ट्रांसवर्सल लाइन से यहाँ मेंशन हुए हुए हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हमारे एट एंगल्स बनते हैं ठीक है पहला आता है आपका इन द फिगर अ ट्रांसवर्सल ई एफ ये जो लाइन है ये ई एफ इंटरसेक्ट कर रही है ए बी एंड सी डी को जी एंड एच पॉइंट पर ओके फॉलोइंग एट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर तो एट एंगल्स इन्होंने लिख दी अब आता है सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से देखो ये और ये इस लाइन के अंदर जो पोर्शन है उसमें जो एंगल्स बनेंगे वो आपके इंटीरियर हैं तो वन फोर सिक्स फाइव ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए अब इनके बाहर जो बनेंगे वो एक्सटीरियर्स होंगे तो टू थ्री सेवन एट ये एक्सटीरियर एंगल हो गए अब आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं जो जिनका सम वन एट्टी होता है ठीक है सॉरी ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इंटीरियर एंगल्स आपके वन फोर सिक्स फाइव हैं ठीक है और जब ये इस तरीके से जेड शेप बनाते हैं तो यहाँ देखो एंगल वन और एंगल फाइव ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ठीक है इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हुए यहाँ भी दो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर वन फाइव फोर और सिक्स दोनों में जेड शेप बनी है जेड शेप वाले एंगल आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ऐसे ही आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं हम तो यहाँ देखो यहाँ 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 बननी है तो टू और एट ऐसे ही थ्री और सेवन ठीक है फिर आता है आपका पेयर्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन कौन सा है एंगल वन और एंगल सेवन देखो इस लाइन के नीचे इस साइड है ये भी इस लाइन के नीचे इस साइड है तो ये करस्पोंडिंग एंगल्स हो गए ऐसे ही फोर एट टू सिक्स थ्री फाइव ये कैसे करस्पोंडिंग है टू और सिक्स लाइन के ऊपर है ठीक है दोनों लाइन के ऊपर की साइड है टू और सिक्स ऐसे ही थ्री right और फाइव हैं लाइन के ऊपर है ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड है ऐसे ही वन और सेवन है लाइन के नीचे लेफ्ट साइड फोर और सिक्स एट हैं लाइन के नीचे राइट साइड ठीक है अब आया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन है ये इसके सेम साइड इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं वन और सिक्स फोर और फाइव ठीक है अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुए हैव डिफरेंट वर्टेक्स डिफरेंट वर्टेक्स है आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होते हैं लाइव बिटवीन द टू लाइन्स टू लाइन्स के बीच में होते हैं ठीक है थीके? ये इनकी प्रॉपर्टी होती है फिर आता है क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैव डिफरेंट वर्टेसिस दोनों की transversal, transversal के डिफरेंट वर्टेसेज हैं आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं लाए अब और बिलो ईच ऑफ द टू लाइन्स या तो वो लाइन के ऊपर होंगे दोनों के या लाइन के नीचे होंगे जैसे इसमें देखो इसमें दोनों लाइन के ऊपर हैं इसमें दोनों लाइन के नीचे हैं ठीक है फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैडलर लाइन्स विद ट्रांसवर्सल अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो तो हमने पढ़ा कौन कौन से एंगल्स बनते हैं अब ये एंगल्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं तो देखिए एंगल थ्री और एंगल फाइव इक्वल होते हैं एंगल फोर और एंगल सिक्स इक्वल होता है यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं पेडलर लाइन्स में और ट्रांसवर्सल में जब पेडलर लाइन्स ट्रांसवर्सल के साथ होती हैं जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे टू एट वन सेवन फिर एंगल टू इक्वल्स टू एंगल सिक्स ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो करस्पोंडिंग एंगल्स के सभी पेयर्स इक्वल होते हैं जैसे टू सिक्स आपके ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं और अवब हैं लाइन के तो टू सिक्स थ्री सेवन वन फाइव फोर एट ठीक है फिर आपको पता है लीनियर पेयर बनता है एक जगह तो वन और टू का सम वन एट्टी फोर और थ्री का सम वन एट्टी ऐसे ही वन और फोर का सम वन एट्टी टू और थ्री का सम वन एट्टी फाइव सिक्स का सम वन एट्टी सेवन एट का सम वन एट्टी जहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है उनका सम वन एट्टी फिर आता है आपका एंगल फोर एंगल फाइव जो आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और सिंपली को इंटीरियर जब दो एंगल्स ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड होते हैं और दो पैरल लाइंस के बीच में होते हैं उन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और उन दोनों का सम 180 होता है फोर फाइव का सम 180 है थ्री और सिक्स का सम 180 है इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं फिर आपका टू और सेवन ये हैं आपके टू एंड सेवन इक्व टू वन एट्टी वन एंड एट आर वन एट्टी दिस गिव्स एस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लाइन के सेम साइड ट्रांसफोर्सल लाइन के सेम साइड जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम वन एट्टी होता है तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं वन और एट ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपके टू और सेवन है तो इनका सम वन एट्टी होगा ओके जेड शेप एंगल आपके ऑल्टरनेट होते हैं और एफ शेप एंगल आपके करस्पॉन्डिंग होते हैं किसी भी साइड किसी भी एंगल से बन रही है वो अब आता है आपका एग्ज़ाम्पल सेवन इन द गिवन फिगर ब्लो ये है आपका एक फिगर चलो हम एग्ज़ाम्पल एट पढ़ लेते हैं एक सेकेंड यहाँ फिगर देख लीजिए उसमें वन टू थ्री फोर सेवन एट फाइव सिक्स ये दिए हुए हैं अब हमें फाइंड क्या करना है हम ये देखते हैं इन द गिवन फिगर ब्लो ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट द पैला लाइन एल एम एंगल वन फिफ्टी बाकी हमें रिमेनिंग फाइंड करना है हम पीछे ही फाइंड करते हैं यहाँ हमें एंगल वन दिया हुआ है बस एंगल वन इक्व टू एट्टी ठीक है सॉरी फिफ्टी ये दिया हुआ है तो देखो एंगल वन और एंगल थ्री ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है ओके एंगल फोर और एंगल टू ये भी वर्टिकली अपोजिट है लेकिन अभी हमें पता नहीं है एंगल टू कितना होगा तो देखो एंगल वन और एंगल टू आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं तो एंगल वन जब फिफ्टी है एंगल वन प्लस एंगल टू इक्व टू वन एट्टी होगा एंगल वन फिफ्टी हो गया तो एंगल टू कितना आएगा वन एट्टी माइनस फिफ्टी वन थर्टी ठीक है 50, 130. एंगल टू वन थर्टी आ गया एंगल टू वन थर्टी आया तो एंगल फोर भी वन थर्टी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमारे ये चार एंगल्स निकल गए अब हमें इनको तो निकालना है सेवन और एट को देखो सेवन और फोर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये इक्वल हो गए वन थर्टी के थ्री और एट इक्वल होंगे फिफ्टी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं अब सेवन का वर्टिकली अपोज़िट फाइव हो गया ये वन थर्टी हो गया एट का वर्टिकली अपोजिट सिक्स हो गया ये वन थर्टी हो गया सॉरी फिफ्टी हो गया आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको सभी के रीजंस जरूर लिखने हैं जैसे इसमें दे रखे हैं ओके okay? फिर हम इनको लास्ट में सभी को एक साथ लिख देते हैं ये आंसर लिखने का तरीका होता है फिर आपका आता है एक क्वेश्चन एट इन द द्वाइनिंग फिगर एंगल जी एंगल जी एच एफ ये वाला एंगल आपको सिक्सटी दिया हुआ है और ए जी सी वाला एंगल वन ट्वेंटी तो हमें बताना है है कि या नहीं है तो देखो जब जी एच एफ सिक्स डी जी एच ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो वन ट्वेंटी हो गया और पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है कि ट्रांसवर्सल के साइड के जो दो एंगल्स हैं कोई भी दो हो सकते हैं ठीक है सेम साइड के दो लाइंस के बीच ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए जैसे यहाँ एंगल जी और एच का सम अगर 180 आ गया तो ये दोनों पैलर हो जाएंगी तो एंगल जी आपका 120 आ गया और एंगल एच आपका 60 दे रखा है इन दोनों का सम 180 आ गया विच मीन्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AB वन एट्टी हैंस सी डी पैलर टू ई देखो फोर रेशियो फाइव दे रखा है फाइन द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स पूछा है वन टू एट तो एंगल वन रेशियो एंगल टू दिया हुआ है फोर रेशियो फाइव तो फोर एक्स फाइव एक्स हो गए ये वन है ये टू है तो इन दोनों का सम वन एट्टी आ जाएगा लीनियर बना रहे हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई ट्वेंटी एक्स की वैल्यू ट्वेंटी आ गई दैट मीन्स ये आपका एंगल वन हो गया एट्टी ये हो गया हंड्रेड ठीक है एंगल टू हंड्रेड एंगल फोर हंड्रेड हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वन एट्टी एंगल थ्री वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्री एंगल थ्री और एंगल फाइव इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स ऐसे ही एंगल फोर और एंगल सिक्स इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स एंगल थ्री और एंगल सेवन इक्वल करोस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल फोर और एंगल एट इक्वल करोस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमने सारी प्रॉपर्टी से लिख दिया आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम्पल इलेवन हमें एंगल बी ए दे रखा है ये दे रखा है और हमसे ये वाला एंगल फाइंड करवाया है ए सी पूरा तो इसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इसको हमने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया एक लाइन ड्रॉ की एक एंगल ये हो गया एक एंगल ये हो गया तो अब एंगल बने हमारे हमने इसे ई एफ नाम दे दिया तो हमारे एंगल्स बन गए एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी ये बनेगा हमारा एंगल ए ओ सी ठीक है तो हम इन दोनों के फाइंड करेंगे वैल्यू कैसे करेंगे अब देखते हैं हम ये हमने ड्रॉ किया तो देखो को इंटीरियर एंगल्स हैं वन जीरो ये वाले दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम वन एट्टी होता है तो इसका आ जाएगा आंसर सेवेंटी टू ये सेवेंटी टू आया ऐसे ही ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं इसका सम आया सिक्स इसका आंसर आया सिक्सटी सिक्सटी और सेवेंटी टू को ऐड करोगे आपको मिलेगा वन थर्टी टू ठीक है अब ये है इसको फाइंड करना है देखो एंगल वन और एंगल जेड करस्पोंडिंग एंगल है तो एंगल जेड सिक्सटी फाइव हो गया हमने लिख दिया करस्पोंडिंग एंगल्स फिर एंगल वन और एंगल एक्स वर्टिकली अपोज़िट एंगल है सिक्सटी फाइव हो गया एंगल वन और एंगल टी करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी सिक्सटी फाइव हो गया एंगल टी और एंगल टू करस्पोंडिंग एंगल्स है ये भी सिक्सटी फाइव हो गया ठीक है एंगल टू और एंगल वाई वन एट्टी बना रहे हैं तो एंगल वाई की वैल्यू हो गई वन वन फिफ्टीन अब बाकी हमने सबको लिख दिया यहाँ पर ठीक है हमें यहाँ ट्रांसवर्सल एंड ऑल्सो नेम द लाइन विच आर कट बाय दिस ट्रांसवर्सल यहाँ हमें ये बताना है कौन सी ट्रांसवर्सल है और कौन कौन सी कट कर रही हैं फिर इस फिगर में आपको ये बताना है कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स हैं करस्पोंडिंग एंगल फोर के ये सब आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको पीछे समझाया है पीछे आप एक बार और पढ़ेंगे उसको अच्छे से फिर करेंगे इन द एडज्वाइनिंग फिगर पी पेलर टू क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल इफ़ एंगल एक्स इक्व टू वन फिफ्टीन देखिए फाइंड द मीजर यू वाई जेड एक्स वन फिफ्टीन है तो यू वर्टिकली अपोजिट हो गया ये वर्टिकली अपोजिट हुआ तो यू और वाई करस्पॉन्डिंग हो गए ठीक है यू और जेड को इंटीरियर एंगल्स है तो इनका सम वन एट्टी होना चाहिए तो यू की वैल्यू वन वन फिफ्टीन है और सम वन एट्टी होता है तो माइनस कर देंगे क्या मिलेगा आपको सिक्सटी फाइव ये आपके मैंने सॉल्व कर रखे हैं आप ये क्वेश्चन कर करे है हुए हैं वहाँ देख लेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे अभी एंगल क्वेश्चन फिफ्थ यहाँ देखो ई एफ को हमने एक्सटेंड कर दिया अगर तो ये वाला एंगल सिक्सटी के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल ठीक है और ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे तो सिक्सटी प्लस वन एट्टी माइनस सिक्सटी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ देखिए एंगल टू दिया हुआ है बस आपको एंगल टू वन ट्वेंटी फाइव दिया एंगल टू और एंगल फोर सेम हो जाएंगे वर्टिकली अपोज़िट एंगल एंगल फोर और एंगल एट सेम हो जाएंगे करस्पोंडिंग एंगल एंगल सिक्स और एंगल एट सेम हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोज़िट एंगल अब फोर और फाइव का सम वन एट्टी होगा अगर फोर आपका वन ट्वेंटी फाइव है तो वन एट्टी में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा फिफ्टी फाइव अगर फाइव आपको फिफ्टी फाइव मिला तो सेवन भी फिफ्टी फाइव सेवन फिफ्टी फाइव तो थ्री फिफ्टी फाइव थ्री फिफ्टी फाइव तो वन फिफ्टी फाइव ये सब आपको लिखना है इसमें उन्हें हमसे पूछा था सिर्फ हमसे एंगल एट की वैल्यू पूछी थी ठीक है तो एंगल एट क्या आया आपका देखते हैं एंगल एट आया आपका वन ट्वेंटी फाइव क्यों एंगल टू इक्व टू एंगल फोर वन ट्वेंटी फाइव वर्टिकली अपोजिट ठीक है फिर दूसरा वाला है आपका एंगल फोर इक्व टू एंगल एट इक्वस टू ये है आपका कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है इस तरीके से तो एंगल एट और एंगल टू इक्वल है यस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर पी पेलर टू क्यू एंड टी पेलर टू और फाइंड एक्स तो देखो वन, वन ये अगर मैं इसको एंगल वन नाम दे दूं तो एंगल वन और एंग, और वन वन फिफ्टीन वर्टिकली अपोजिट है तो एंगल वन 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 फिफ्टीन आ गया एंगल एक्स और एंगल वन इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये करोस्पॉन्डिंग एंगल है आपको सब चीज़ों के रीज़न लिखने हैं क्वेश्चन एट हम आगे करेंगे ठीक है नाइन में देखिए देखो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं तो एक्स की वैल्यू सेवेंटी फाइव आ गई ऐसे ही ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं तो वाई की वैल्यू थर्टी फाइव आ गई टेंथ क्वेश्चन हम आगे करेंगे अलैंथ क्वेश्चन देखिए ए बी सी डी ये भी हम आगे करेंगे ट्वेल्थ एंगल टू इज़ वन ट्वेंटी फाइव एंड एंगल फाइव इज फिफ्टी फाइव इज एल पेल्डर टू एम गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर तो देखिए हमें ये बताना है एल पेल्डर है एम के या नहीं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम वन एट्टी आना चाहिए तो हमने देखा एंगल टू वन ट्वेंटी फाइव है तो एंगल फोर भी वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट और एंगल फोर और एंगल फाइव का सम इफ वन एट्टी हो गया तो ये पेडलर होंगी तो एंगल फोर आपका एट्टी हो गया तो ये को इंटीरियर एंगल्स का सम वन एट्टी आ गया यानी कि एल हो गई पेडलर के एम ठीक है यहां सपोर्ट करनी है एल पेडलर है एम के या नहीं है तो यहाँ आपको निकालना है देखो ये वन फोर्टी तो अपोजिट एंगल वन फोर्टी वन फोर्टी प्लस फोर्टी वन एट्टी यानी कि एल पेडर टू एम इसमें को इंटीरियर एंगल्स का सम वन एट्टी हो गया यहाँ देखो ये सिक्सटी फाइव है तो इसके अपोजिट सिक्सटी फाइव होगा सिक्सटी फाइव सिक्सटी फ़ाइव आपको मिलता है वन थर्टी ये एल नॉट पेडर टू एम हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें को इंटीरियर एंगल्स का सम वन एट्टी नहीं है अब इसमें हम देखेंगे ये थर्टी सेवन है तो ये थर्टी सेवन आ जाएगा वन फोर्टी थ्री प्लस थर्टी सेवन करोगे तो क्या मिलेगा जीरो एट वन यानी कि एल पेलर है एम के ऐसे ही हम इसमें देखेंगे फिफ्टी एट है इधर फिफ्टी एट आ जाएगा सॉरी यस yes. आप कैलकुलेट करोगे यहाँ लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू निकालोगे फिर सॉल्व करोगे यहाँ देखिए इफ एल एल पेलर टू एम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर यहाँ हमने फाइंड कर लिया था वन और वन ट्वेंटी फाइव आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वन ट्वेंटी फाइव आ गया एक्स और वन आपके वन एट्टी लीनियर पेयर हैं तो एक्स की वैल्यू वन फिफ्टी फाइव आ गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई सी का वन टेन और वन वन मैंशन किया है मैंने एक्स फाइंड करना था वन टेन और वन इक्वल है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है फिर आप इसको निकालोगे या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वन एट्टी होता है यानी कि वन वन टेन प्लस एक्स वन एट्टी आना चाहिए था तो एक्स की वैल्यू सेवनटी आ जाएगी लिखोगे सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ लाइंस क्वेश्चन सिक्स है ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया और पीछे वहाँ भी समझा दिया था आपको एंगल एट इक्व एंगल टू है या नहीं एंगल टू एंगल फोर के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट फोर और एट करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो जाएंगे यहाँ आपको ओ ए पेडलर दी हुई है ई e के एंड ओ बी पेडलर दी हुई है ई डी के तो मैंने इनको हल्का हल्का एक्सटेंड कर लिया अगर एंगल एक्स एटी है तो देखो जब एंगल एक्स आपका एट्टी है तो एंगल वाई करस्पॉन्डिंग एंगल है ये पेडलर लाइन हो गई ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ठीक है फिर जब आपकी ओ बी है ई e के यानी कि ये ये करस्पॉन्डिंग है ठीक है तो एंगल वाई और एंगल जेड ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं और पैरल लाइन के अब हैं तो ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए तो ये सेम होगा यानी कि तीनों एंगल इक्वल हो गए आपके ठीक है फिर आपका टेंथ क्वेश्चन इन द गिवन फिगर एंगल ए बी ओ फिफ्टी है सी डी ओ फोर्टी फाइव है फाइंड करना है मीजर एंगल बी डी हमें ये निकालना है सॉरी ये निकालना है हमें तो हमने इसको कट किया हमें पता है ये जेड बना रहा है तो ये फिफ्टी हो जाएगा इसको कट करेंगे तो ये जेड बनाया फोर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है लिखने का तरीका आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है और आपको नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी आपको नाइन्टी फाइव मिलेगा यहाँ देखो एल पैलर थी एम के पी पैरलर है क्यू के एंगल सी और वन ट्वेंटी वर्टिकली अपोज़िट एंगल गए एंगल ए और सेवेंटी फाइव वर्टिकली अपोज़िट एंगल हो गए एंगल बी और एंगल डी ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए सेवेंटी फाइव हो गए ठीक है एंगल बी और एंगल बी भी सेवेंटी फाइव होगा करस्पोंडिंग एंगल एंगल बी और एंगल डी ठीक सॉरी सॉरी एक मिनट देखो एंगल सी और एंगल एंगल सी वन ट्वेंटी के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल ए सेवेंटी फाइव के गया वर्टिकली अपोज़िट एंगल बी और सेवेंटी फाइव हो गए करोस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है फिर आपका आया एंगल डी एंगल डी आपका वन ट्वेंटी हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स ठीक है ये इसके ऑल्टरनेट हो गया वन ट्वेंटी फिर एंगल ई e और एंगल डी का सम वन एट्टी है वैसे तो को इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों इनका सम भी वन एट्टी है और ये लीनियर पेयर है तो एंगल ई e फाइंड कर लोगे फिर उसके बाद हमने ये चारों पाँचों एंगल यहाँ लिख दिए ठीक है सभी के आगे आपको रीज़न ज़रूर लिखना है बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको डिस्कस करेंगे